मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम भिवंडी के शाहीन बाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर महिलाएं जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये प्रोटेस्ट जो यहाँ पर किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट जो है CAA NRC NPR के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है, जिस तरह से आप देखेंगे कि जो दिल्ली का शाहीन बाग है वहाँ पर किस तरह से जो दादी बैठी हुई हैं, अगर आप भिवंडी के शाहीन बाग पर नज़र डालेंगे तो यहाँ भी आपको एक दादी नज़र आएंगी जो यहाँ पर बैठी हुई है। ये काफ़ी बुज़ुर्ग है, ये दादी जो है यहाँ पर बैठी हुई है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर जो है यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी यहाँ पर महिलाओं का जो है एक हुजूम लगा। हज़ारों की तादाद में जो है महिलाएं यहाँ पर इस कानून का, जो काला कानून है, इस कानून के खिलाफ जो है यहाँ पर महिलाएँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ महिलाओं का प्रोटेस्ट है और सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आपको दिखा सकते जिस तरह से कैमरे का यहाँ पर जो है बंदोबस्त किया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस जहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं यहाँ पर ना पहुँच सके। और इसके लिए जो है तमाम वॉलेंटियर जो है यहाँ पर मौजूद हैं वॉलेंटियर जो बाहर जो रोड है वहाँ पर वॉलेंटियर हैं और महिलाओं में भी जो वॉलेंटियर जो है खास तौर पर नज़र रख रही हैं। एक बात और बता दें आपको कि किसी भी तरह का अगर किसी महिला या बच्चे को अगर यहाँ चोट लग जाती है यार दवा की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है मेडिकल की जो सुविधा की गई है, दवा का इंतजाम यहाँ पर किया गया, यानी छोटी मोटी चोट लगने पर यहाँ पर उपचार की भी व्यवस्था की गई है। और ख़ास तौर पर इस प्रोटेस्ट में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, हम इन लोगों से भी बात करेंगे और आपको इनकी भी बात सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये महिलाएं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जिस तरह से NRC की बात अगर हम करें तो NRC का सदन में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि NRC पर फिलहाल अभी विचार नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो CAA कानून है, इस कानून को लेकर जो है यहाँ पर महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं और पूरे यहाँ पर जो भिवंडी का शाहीन बाग है ये, इसकी बात कर जो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप इसी तरह के महिलाओं को यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए देखेंगे। लगभग इसी तरह का प्रोटेस्ट पूरे भारत में हो रहा है, महिलाओं द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस काले कानून को लेकर? देखिए, ये काले कानून के खिलाफ हम लोग यहाँ पर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब ख्वातीन हैं, सब औरतें हैं यहाँ पर इस जज्बे के साथ आई हैं कि हम जो है इस कानून को, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेगी तब तक हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। और हमारे ऐसे में अब दिल्ली में जो है चुनाव आ गया है और कहीं ना कहीं जो है अब BJP सरकार को अगर हम बात करें तो इसमें जो है शाहीन बाग को जो है हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसे राजनीतिक करार देने की कोशिश की जा रही है। ये शाहीन बाग जो है ये कोई हिंदू मुस्लिम का अलग अलग नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जो है वो रोज़ाना हिंदू ख़वातीन और मुसलमान ख़वातीन सब मिलकर जो है वो आते हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। और जो हमारी ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति जो बनाई गई है उसमें भी तमाम ही समाज के लोग शामिल हैं और हम सब मिलकर अपने देश को बचाना चाहते हैं, आईन को बचाना चाहते हैं और हमें अपना हक चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो इस कानून का विरोध कर रही हैं, फिलहाल इस समय जो हम आपको जहाँ आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जो है भिवंडी का शाहीन बाग है और करीब आज इस शाहीन बाग का 6वां दिन है। 6 दिन से जो है यहाँ पर इसी तरह से महिलाएं जो है इस कानून के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, CAA NRC NPR के खिलाफ जो ये महिलाएं यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज 6वां दिन है इसका, इसी तरह से जो है दिल्ली के शाहीन बाग में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और मुंबई शहर में भी इसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, भिवंडी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।